खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 से है, जहां पर 730 पर जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर कहीं लोग चोटिल हो रहे हैं तो कहीं गौवंशों की लगातार जान जा रही है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से है, जहां पर आज नेशनल हाईवे 730 पर कई गौवंशों को चोटें लगी। वहीं इकौना के जगजीत इंटर कॉलेज के पास दो गौवंशों की मौत हो गई। कहते हैं बड़ा सा बड़ा काम भी जन सहयोग से आसान हो जाता है, जो काम लोगों के लिए मुश्किल होता है वो जन सहयोग से चंद मिनटों में निपट जाता है। ऐसा ही मामला इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 इकौना इलाके के जगजीत इंटर कॉलेज के पास से सामने आया, जहां पर दो गौवंशों की मौत हो गई। सड़क हादसे में गौवंशों की मौत के बाद इसकी जानकारी हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री बाबू केडी सिंह को हुई। उन्होंने इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष हल्का सिपाही दीपक वर्मा, BDO इकौना नगर के सहयोगी बंधुवर रमेश कुमार, JCB मालिक अशोक पांडे आदि को दिया, जिनके सहयोग से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद JCB के मदद से गौवंशों का अंतिम संस्कार कराया गया। इस मामले में बाबू केडी सिंह ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद व आभार से यह सफलता मिली। लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों से अपील है कि वो सड़क पर चलते वक्त सावधानी बरतें, जिससे किसी गौवंश की जान न जा सके। ऐसे हादसे देखकर मन द्रवित हो उठता है। श्रावस्ती जनपद के इकौना बाईपास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर काफ़ी देर बाद आखिरकार JCB की मदद से लोगों के सहायता से गौवंशों को हटाया गया, जिससे लोगों को राहत मिल सकी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व हिंदू युवा वाहिनी के केडी सिंह, महेश कश्यप, BL वर्मा, सुरेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में JCB की मदद से गौवंशों का अंतिम संस्कार कराया गया। Thank you.